हेलो गाइस, तो आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लास। तो पिछले लेक्चर में हमने 13.1 कंप्लीट करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 13.2 की, जो कि बेस रहेगा वॉल्यूम के ऊपर। फंडा सेम रहता है कि दो फिगर कंबाइन होंगे, उन दोनों का वॉल्यूम हम जब ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 तो वैसे ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से क्या है। अचल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड टू इट्स एंड। मतलब एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर कोन लगे, नीचे से भी एंड ऊपर से भी। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 1.5 होगी, एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, मतलब टोटल लेंथ कितनी है मॉडल की, 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन इज ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक है, कोन की हाइट भी दी हुई है, फाइंड द वॉल्यूम। सिंपल है, हमें रेडियस दी है 1.5, डायमीटर 3 था तो रेडियस 1.5, टोटल हाइट दी है हमें कितनी 12 सेंटीमीटर, एंड हमें हाइट ऑफ कोन दी है 2 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, एंड जो आपका टोटल है वो 12 सेंटीमीटर है। तो क्या बच्चों हम सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हैं? जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 12 - 2 and - 2, क्योंकि दोनों कोन को माइनस कर देंगे तो सिलेंडर आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अंदर बचेगा ये 2/3 πr²h। अब बच्चों इसमें कॉमन में निकाल सकता हूं पाई आर स्क्वायर। सर h क्यों नहीं निकाल सकते? बच्चों h इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि सिलेंडर के h अलग है, कोन के h अलग है। ये h किसकी है? सिलेंडर की, प्लस 2/3h, और ये h है कोन की, 22/7 इंटू 1.5 × 1.5। सिलेंडर की एच कितनी थी, 8 प्लस 2/3 × कोन की एच कितनी थी, 2, 22/7 × 1.5 × 1.5, अंदर बचेगा 8 + 4/3, मेरे को नीचे लेना पड़ेगा एलसीएम, 22/7 × 1.5 × 1.5 इंटू 3 का 3 एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 28/3, 24 + 4, फिर 7 से 28 काट देंगे 4 बार, 3 से 0 15 कट जाएगा 0.5 बार। अब जरा हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 22 × 0.5 × 1.5 and × 4, तो हमारा आंसर आ रहा है 66 cm³। ये क्या आ गया बच्चों, हमारा टोटल वॉल्यूम। आई होप आपको वॉल्यूम का भी समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल फंडा नहीं है कि आए नहीं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चल क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि गुलाब जामुन पानी आ गया कंटेनिंग शुगर सिरप इज अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। भैया एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगे हुए, एक और ये दो, ये हमारा गुलाब जामुन है, समझ ही गए होंगे। इसकी टोटल लेंथ आपको दी है 5 cm, डायमीटर आपको दी हुआ है 2.8, तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.4 cm। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे हाइट निकालनी पड़ेगी सिलेंडर की, क्योंकि मेरे पास टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फीयर की रेडियस होगी कितनी, 1.4, ये भी हेमिस्फीयर की रेडियस होगी 1.4, तो पूरे 5 में से मैं 1.4 - 1.4- कर दूंगा तो आ जाएगी मेरी, तो वो होगी 2.2 सेंटीमीटर। ये मेरी क्या आ गई, आपकी सिलेंडर की हाइट। अब उन्होंने बोला 45 गुलाब जामुन से, तो हम तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना भी वॉल्यूम आएगा उसका 30% निकाल लेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करूंगा, ठीक है,
तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो कौन का होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस टू इंटू हेमिस्फीयर का होता है टू अपॉन थ्री पाई आर क्यूब, तो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब, कॉमन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, अंदर बचेगा एच प्लस फोर अपॉन थ्री आर। चलिए इसको आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और मुझे आंसर बताइए। चलिए तो आपका वॉल्यूम आ रहा होगा 25.05 अप्रॉक्स में, 45 गुलाब जामुन का हमने निकाला तो आया 1127.25 एंड उसका 30% शुगर सिरप का उसने बोल रखा था अपने को, तो उसका 30% हमने निकाला तो अप्रॉक्स में 338 आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 5 तो फिर 4 भी आसान है, 5th अपन करेंगे। अ पेन स्टैंड इज मेड अप इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेंस। ये भैया पेन स्टैंड है, इसका जो बेस है वो क्यूबॉइडल है और जो पेंस की नुक होती है जैसे ये आपको दिख रही होगी तो ये कोन की है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर दिस, द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, क्योंकि ये कोन है तो कोन की रेडियस 0.5 दी है, डेप्थ 1.4 यानी हाइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। बड़ा सिंपल सा है, हम क्या करेंगे बच्चों क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे 4 कोन्स के वॉल्यूम से, तो जितना भी स्टैंड हमारा बचा है, हमारा स्टैंड कुछ इस तरह है जिसके अंदर 4 ऐसे कोन बने हुए हैं, तो हमें ये जो बच गया एरिया है ना वो निकालना। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच माइनस कोन का होता है 4 इंटू कोन्स का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मुझे एल दिया है 15, मुझे ब्रेथ दी है 10 सेंटीमीटर, मुझे हाइट दी है 3.5 सेंटीमीटर। कोन की बात करूं मैं, कोन की रेडियस मुझे दी है आपको 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है मुझे 1.4 सेंटीमीटर। तो आई होप ये आप क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं लग रहा। हाँ बच्चों इसमें हाइट कॉमन मत निकाल लेना, बाकी तो आप सही करोगे और फोर कौन सा जो भी माइनस करके आएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है जो कोन की फॉर्म में, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। पहले एक अपन एक काम कर देते हैं, अपन एक कोन बना देते हैं। ये मैंने एक कोन बना दिया, इसकी हाइट मुझे दी है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस मुझे दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है भैया कर लेंगे हम। फिल्ड विथ वॉटर, उसके अंदर पानी है। वेन लीड शॉट्स ईच ऑफ शेप स्पीयर, कुछ लीड शॉट्स डाले गए, लीड शॉट्स मतलब ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स डाले गए जिनका शेप है स्पीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। एक स्पीयर है उसकी रेडियस आपको दी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इज ड्रॉप्ड इन द वेसल, जब हमने इसको कोन के अंदर डाले तो 1/4 ऑफ द वॉटर फ्लोज आउट, इसमें से जब हमने डाले तो 1/4 पानी बाहर आ गया, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, हमें निकालना है कि कितने लीड शॉट्स डाले गए होंगे। तो हम इस केस में करेंगे क्या, हम इसमें कोन की वॉल्यूम निकालेंगे और स्पीयर की वॉल्यूम निकालेंगे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि कोन एक वेसल था लीड शॉट स्पीयर की शेप, इन दोनों के वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास नंबर ऑफ शॉट्स आ जाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले कोन की वॉल्यूम निकालते हैं जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को आप पाई रहने दें क्योंकि हम जब स्पीयर का वॉल्यूम निकालेंगे तो दोनों को डिवाइड करना है तो पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर कोन की रेडियस है 5 और हाइट है 8, तो कुछ कटते हुए तो मुझे देख नहीं रहा है। 5 5 25 25 8 150 एंड पाई अपॉन 3, ये मेरा क्या आ गया कोन का वॉल्यूम आ गया। स्पीयर का निकाल ले अपन, स्पीयर का होता है 4/3 पाई को पाई रहने देंगे आर क्यूब 0.5 × 0.5 × 0.5 अपॉन में 1 1 ले लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा। पता है ना 0.5 को मैं 5/10 भी लिख सकता हूं, तो कुछ कटते हुए मुझे दिख रहा है 5 से 10 2 बार 2 बार 2 बार
टू से फोर टू बार, टू से वापस ये, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा पाए अपॉन में बचा थ्री इंटू टू, तो सिक्स। ये मेरा किसका वॉल्यूम आया? स्पीयर का। ये मेरा किसका वॉल्यूम था? कोन का। अब जब मैंने स्पीयर को कोन के अंदर डाला तो कितना पानी बाहर आ गया था? वन फोर्थ। किसका पानी? कोन का कि शॉर्ट्स का? कोन का। तो 150 पाए हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था, इसका मैं वन फोर्थ कर लूंगा तो वो जाएगा कितना? सॉरी बच्चों, यहां पे 5 5 25 25 8 200 होगा सर। तो यहां पे 200 इंटू अपन ने किया तो कितना आएगा? 50 पाए। तो मेरा बचा हुआ वॉल्यूम कितना आया? 50 पाए अपॉन 3। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों वॉल्यूम को डिवाइड कर दूंगा। अब मुझे आप एक चीज बताइए, मैं कोन को स्पीयर से डिवाइड करूं कि स्पीयर को कोन से? सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोन को स्पीयर से ही करोगे ना, क्योंकि शॉर्ट्स तो आपने कोन के अंदर डाले थे। तो नंबर ऑफ शॉर्ट्स इज इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा, कोन अपॉन स्पीयर। कोन का कितना था? 50 पाई अपॉन 3। स्पीयर का कितना था? पाई अपॉन 6। जब भी नीचे फ्रैक्शन होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 50 पाई अपॉन 3 इंटू ऊपर चले जाएगा 6 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार, 50 इंटू 2 100। तो मेरे नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने आ गए बच्चों? 100। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था, हल्का सा लॉजिक लगाना था। अब इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, वो क्वेश्चन नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड आपको क्वेश्चन नंबर 1, ये तीन क्वेश्चन आपके होमवर्क में। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।